दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी के शरण में आएगा उसका इस कलयुग में कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वे अपने मुक्के का प्रयोग करते थे। कहा जाता है कि हनुमान जी का मुक्का ऐसा था कि इससे बड़े से बड़े महारथी भी एक ही मुक्के में धराशायी हो जाते थे। शास्त्रों के अनुसार इंद्र के ऐरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है, द्विगपाल में 10,000 ऐरावत के बराबर बल होता है और इंद्र में 10,000 द्विगपाल के बराबर बल होता है, लेकिन हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में ही 10,000 इंद्र का बल होता है। दोस्तों, रावण पुत्र मेघनाद भी हनुमान जी के मुक्के से बहुत ज्यादा डरता था। दोस्तों, इससे आप यह अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, जब हनुमान जी किसी को मुक्का मारते होंगे तब क्या होता होगा। आज हम इस वीडियो में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में हनुमान जी के मुक्के से जुड़ा एक ऐसा प्रसंग बताएंगे जब रावण जैसे महारथी को भी इस मुक्के का प्रकोप झेलना पड़ा। इसका उल्लेख तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में मिलता है। यह उस समय की बात है जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं को बंदी बना लिया था और उन्हें रावण की सभा में ले जाया गया। वहां रावण के सामने हनुमान जी की कई विशेषताओं पर बात हो रही थी, जैसे कि हनुमान जी का अपार बल, उड़ने की शक्ति और विराट रूप धारण करने की शक्ति इत्यादि। उस सभा में सबसे ज्यादा प्रसंग हनुमान जी के मुक्के की ही हो रही थी। जब रावण ने हनुमान जी के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी से कहा, आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा एक एक मुक्के का युद्ध हो जाए। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारो। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। फिर हनुमान जी कहते हैं कि आप पहले मारो, क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने के लायक ही नहीं रहोगे, इसलिए पहले आप ही मार लो। दोस्तों, यह सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी पूरी शक्ति से एक बहुत ही जोर का मुक्का हनुमान जी को मारा। इस प्रकरण की पुष्टि रामचरितमानस की यह चौपाई करती है, जाम टेक कपि भूमि न गिरा। रावण के एक मुक्के का हनुमान जी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे ही नहीं। फिर रावण बहुत ही हैरान होकर अपनी 20 आंखों से हनुमान जी को देखता ही रह गया। तो अब बारी आई महावीर हनुमान की। हनुमान जी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ मुक्का उठाया और रावण को मारने के लिए तैयार हो गए। तभी ब्रह्मा और शिव जी बेहद ही घबरा गए। ब्रह्मा जी बोले, रोको रोको, कहीं मुक्का रावण को लग गया और वह मर गया तब श्री राम का तो अवतार ही असफल हो जाएगा। हनुमान जी जब ऊपर देखते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि दया करो हनुमान। फिर हनुमान जी कहते हैं कि इस रावण को बस थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। फिर हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का मारा। रावण ऐसे गिरा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो और बहुत देर तक रावण मूर्छित हो गया। रावण को जब होश आया तब वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा करने लगा कि हनुमान तुम इतने बलशाली हो। तो हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मा और शिव जी ने असली बल तो तुम्हें दिखाने ही नहीं दिया, बल तो तब देखते जब तुम बोलने के लिए जिंदा ही न बच पाते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मुरुछा गए बहोरी से जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। रावण कभी भी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, लेकिन मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। इस प्रकार हनुमान जी ने बस एक ही मुक्के से रावण को उसका स्थान बता दिया। दोस्तों, एक बार हनुमान जी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली लिखना न भूलें।